डॉक्टर झटका, कितना गंदा है ये कमरा। लगता है जमाने से सफाई नहीं हुई है। ये तो मेरे दादाजी का सब सामान यहाँ पड़ा है यार। मैं इस कमरे में बहुत कम आता हूँ। हाँ। बड़े भैया, क्या मैं ये बैकपैक ले लूं? देखो इसमें बना हुआ चेहरा कितना प्यारा लग रहा है। ओए मोटू मेरी यार, मेरे भाई, वो मेरे दादाजी का बैग है। तुम्हें अच्छा लगता है तो ले लो। है ओ मोटू, संभाल के वो। बाहर क्या गया? तुम लोगों ने सब गंदा कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से सफाई की थी। अरे पतलू, अरे कहाँ हो तुम सब? हम तुमको छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ेगा। अरे अरे मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने क्या किया? भाग मोटू भाग, ये बहुत गुस्से में है। अरे चिंगम सर, क्या हो गया? इसका ट्रक पंक्चर हो गया है। इसके पास जैक नहीं है। सब लोग मिलके एक साथ साइड से ट्रक को उठाओ, ये अपना व्हील चेंज करेगा। चलो चलो उठाते हैं। अरे माँ मोटू, तुमने ट्रक को अकेले कैसे उठा दिया? इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कैसे आई? कैसे? तुमने तो अभी तक समोसा भी नहीं खाया, और ये फिर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? क्या पता, लगता है ऊपर वाले ने मुझे हमेशा के लिए ताकतवर बना दिया। मोटू मेरे साथ चलो। इस बैकपैक का चेहरा पहले उदास था, अब मुस्कुरा रहा है। कहीं ये जादू इस बैकपैक का तो नहीं? मंत्री जी के स्वागत में कोई कमी ना रहे। फुरफुरी नगर में पानी की कमी है और मंत्री जी हमें पानी का कुआं खोदने के लिए परमिशन देने आ रहे हैं। ओके सर। तो ये बात है, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, मंत्री जी को किडनैप करके करोड़पति बनेगा ये डॉन। बस बस, कविता तो अच्छी थी। कविता के बच्चे चुप करो, हम तुम्हें कविता नहीं सुना रहे थे। मंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, हम मंत्री जी को किडनैप करके सरकार से 1 करोड़ रुपए की मांग करेंगे। हेलो चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, जल्दी यहाँ आओ। अम्मा ये कैसे हो गया? चिंगम सर, कैसे भी जल्दी से बुलडोजर और क्रेन लाओ। मंत्री जी के आने से पहले रॉक्स नहीं हटाए तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे और फुरफुरी नगर में पानी की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। Why fear when Chingam is here? मेरे पास क्रेन, बुलडोजर ऑल इन वन है। मोटू शुरू हो जाओ, ये चट्टाने उठा उठा के यहाँ से दूर फेंक दो। ओके सर। नहीं सर, वो नहीं करना। छोटे पत्थर तो हम भी उठा लेंगे, तुम बस बड़े पत्थर उठाओ प्लीज। अरे मैं उठा नहीं पा रहा हूँ सर, पता नहीं क्या हुआ, मेरी शक्ति फिर से चली गई।
मोटो ये तुम्हारी शक्ति है या किसी गांव की इलेक्ट्रिसिटी जो बार बार चली जाती है? कुछ करो मोटो, कुछ करो, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये चेहरा कभी उदास होता है और कभी खुश, ये कैसा जादू है? जरूर इस बैकपैक में ही कुछ मैजिक पावर है। मोटू ये बैग पहन के उठाओ, लगता है इस बैग का ही मैजिक है जो तुम में शक्ति आ जाती है। शक्ति वापस आ गई। बचाओ बचाओ, ये कैसे हो रहा है? कोई तो मुझे समझाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता के बच्चे नीचे चल के देखो मोटू कैसे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें फेंक रहा है, वो भी यहाँ तक। मोटू तुमने तो कमाल कर दिया, आज फुरफुरी नगर की इज्जत रख ली तुमने, वाह। मोटू तुमने मेरी नौकरी भी बचा ली, मेरे शक्तिशाली दोस्त तुम्हें प्रणाम, शत शत प्रणाम। पतलू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जादू हो कैसे रहा है। ये सब इस मैजिकल बैग का कमाल है, जिसे पहनते ही तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और जब तुम कोई अच्छा काम कर रहे होते हो तो इस पे बना चेहरा भी खुश हो जाता है। अगर उस बैग में जादू है तो वो बैग मुझे चाहिए। छोड़ दो हमें, कॉल द रस्सी, वरना अगर चिंगम को गुस्सा आ गया तो तुम जानते नहीं क्या होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। अब मैं तुम लोगों को छुड़ाने के लिए मंत्री जी से 1 करोड़ मांगूंगा। जान भरेगा डॉन, जान भरेगा डॉन। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पतलू कुछ करो। आइडिया, मोटू तुमने बैग से 10 करोड़ के हीरे निकाल लिए थे कि नहीं? 10 करोड़ के हीरे इस बैग में, अभी देखता हूँ। मोटू ये लो, बैग पहनो और शुरू हो जाओ। जब दोस्त दोस्त ही ना रहा तो ये बैग लेकर क्या करूंगा, और इस बैग के अंदर के 10 करोड़ के हीरे लेकर क्या करूंगा? ओफो बस भी करो, अरे मैं उससे ये बैग छीनने के लिए झूठ बोल रहा था। सॉरी सॉरी पतलू, वेरी सॉरी। एक बार में ही फेंक दो जहां फेंकना है। ओके। ये बैग अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया तो बहुत नुकसान होगा, चलो इसे उस सूखे कुएं में फेंक देते हैं। भाई वाह, ये तो चमत्कार हो गया, हैं? इस सूखे कुएं में पानी आ गया। थैंक यू मोटू पतलू, थैंक यू।
हम सरकार से तुमको इनाम दिलवाएंगे। अब फुरफुरी नगर में पानी की कभी कमी नहीं रहेगी। मोटू पतलू जिंदाबाद। जिंदाबाद।